तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, वो सब क्या होता है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि एनालॉग इनपुट क्या है, वो कहाँ पे यूज होता है, तो उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक PLC का ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका इस तरह से कनेक्शन रहता है। कॉमन वोल्टेज है जो इसमें से अंदर से निकलता है, इसको चालू चलने के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट हो या फिर कोई भी वोल्टेज हो यहाँ पे देना पड़ता है इसको। तो ये जब चालू हो जाएगा PLC, तो इसका कॉमन से हमें वोल्टेज लेके यहाँ से अगर वोल्टेज लिया और यहाँ पे हमने बीच में एक स्विच लगाया जो कि हमारा इनपुट स्विच के हिसाब से काम करेगा। ये स्विच अगर इसे जाके ये जो DI के अंदर में लगा, इसके अंदर में जाके मतलब ये यहाँ से आया, इसे घूम के अंदर गया, जो PLC के अंदर जो भी सिग्नल जाता है इसको बोलते हैं इनपुट, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो। तो अंदर अगर जाता है, जब अंदर गया सिग्नल तो हो गया इनपुट, जब बाहर आया सिग्नल तो उसको बोलते हैं आउटपुट। मतलब ये एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है। तो अगर जो सिग्नल हम कॉमन से लेके एक बीच में एक स्विच लगा के उसको दबाएंगे तो ये हमारा सिग्नल आगे चला जाएगा, जाके यहाँ पे जहाँ पे लगता है हमारा अंदर में। अगर ये डिजिटल होगा तो डिजिटल इनपुट, अगर ये जाके इस तरह से एनालॉग में लगेगा तो ये होगा हमारा एनालॉग इनपुट। तो इस तरह से इनपुट जो है, इनपुट और आउटपुट, जो अंदर सिग्नल गया उसको बोलते हैं इनपुट, सिर्फ PLC में और किसी में नहीं। PLC में जो सिग्नल अंदर जाता है उसको बोलते हैं इनपुट, और जो सिग्नल बाहर आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो। अगर डिजिटल होगा तो ये 1010 फॉर्मेट में ये रहता है, मतलब आइदर ऑन नहीं तो ऑफ, फिर ऑन ऑफ, मतलब एक ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा, सिर्फ वही दो कंडीशन में डिजिटल इनपुट चलता है या फिर आउटपुट भी होगा डिजिटल का, तो ये भी इसी तरह से ऑन और ऑफ, आइदर ऑन रहेगा नहीं तो ऑफ रहेगा। तो एनालॉग जो है, एनालॉग इनपुट क्या है, करंट और वोल्टेज उसमें से ऐसे ऐसे वैरी करके जाता है, लेकिन जो हमारे हिसाब से हमारा देना चाहते हैं तो इस तरह से ये करंट और वोल्टेज हो ये इस तरह से वैरी करके जाएगा। मतलब आप अगर कम देंगे तो कम में जाएगा, अगर ज़्यादा देंगे वही समान रखेंगे तो समान रहेगा, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, इस तरह से ये अप डाउन होके ये चलता है, इसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट या फिर एनालॉग आउटपुट। जो एनालॉग सिग्नल जाता है उसको बोलते हैं एनालॉग वाला, जिसमें ऑन ऑफ का चलता है वो है डिजिटल। अगर एनालॉग का अगर अंदर में जाता है यहाँ पे लगता है सिग्नल लाके यहाँ पे लगता है तो ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट। अगर यहाँ से हमारे को बाहर में ले रहे हैं सिग्नल यहाँ से, तो यहाँ पे जा रहा है बाहर सिग्नल, तो ये हो गया हमारा एनालॉग आउटपुट। अगर अंदर गया तो ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट, अगर बाहर गया तो ये हो गया हमारा एनालॉग आउटपुट। इसी तरह से इनपुट भी डिजिटल इनपुट भी सही, कमन से लेके या फिर कोई बाहर सोर्स से लेके कोई भी सिग्नल हम अंदर में दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा डिजिटल इनपुट। अगर वहाँ से कोई फीडबैक हमारा ले रहे हैं रिटर्न, तो यहाँ से जो सिग्नल बाहर आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। जो डिजिटल होगा तो डिजिटल आउटपुट, एनालॉग होगा तो एनालॉग आउटपुट। तो ये इनपुट जो है, इनपुट अगर डिजिटल होगा तो डिजिटल इनपुट, और एनालॉग होगा तो एनालॉग इनपुट बोलते हैं इसको। तो आइए देखते हैं एनालॉग इनपुट इसमें क्या 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 एग्जाम्पल है, किस किस को हम बोल सकते हैं डिजिटल इनपुट और किसको बोलेंगे एनालॉग आउटपुट, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा आता है एनालॉग इनपुट, चलिए देखते हैं उसको क्या होता है। पहले चीज में हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर, जो हम घुमा के उसको यहाँ से हम फीडबैक देते हैं, कोई रेजिस्टेंस हमारा वैरी होता है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारा आ गया, दो में आ गया हमारा कोई भी ट्रांसमीटर हो, हमारा लेबल ट्रांसमीटर हो या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर हो, लेबल सेंसर बोलते हैं उसको ट्रांसमीटर को भी, तो प्रेशर का हो गया प्रेशर ट्रांसमीटर, क्योंकि इसका जो वैल्यू हमारा जो हम आता है हमारे पास तो वो क्या होता है वैरी करता है, मतलब कभी 0% में चल रहा है, कभी 5 प्रेशर में चल रहा है, कभी 10 प्रेशर में चल रहा है, तो उसको क्या होता है वो वैरी होता है। जो वैल्यू हमारा वैरी होके हमारे पास PLC में आता है उसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट।
जो भारी होता है वो हो गया एनालॉग। इस तरह से मतलब ये भारी होके आ रहा है तो इसको बोलते हैं एनालॉग। जो हमारा ऑन और फिर ऑफ, कोई भी हमारा स्विच अगर दबा रहे हैं तो वो आइदर ऑफ होगा नहीं तो ऑन होगा, तो उसी केस में वो जो सिग्नल आता है तो वह ऑन होता है नहीं तो जीरो रहता है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल। तो इसी वजह से जो हमारा पोटेंशियोमीटर है हमारा एडजस्ट करने के लिए, उसको भी हम एडजस्टेबल कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना दे सकते हैं, तो हो गया हमारा एनालॉग। तो लेबल ट्रांसमीटर जो पानी का लेबल या फिर कोई लिक्विड का लेबल है तो उस क्या होता है हमेशा चेंज होता रहता है, भारी होता रहता है, तो उसको बोलते हैं लेबल ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर जो भी जितने भी ट्रांसमीटर है सबका इनपुट हमारा हो गया एनालॉग इनपुट। तो आइए देखते हैं एनालॉग आउटपुट के बारे में। तो एनालॉग आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हो गया प्रोपोर्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व, ये क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से खुलता है। मान लीजिए 5% दिए, 10% दिए, 50% दिए, तो ये क्या करता है वही एनालॉग आउटपुट के फीडबैक के हिसाब से ये अपना चलता रहता है। मतलब पूरा ओपन या फिर पूरा क्लोज नहीं होता है, ये क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा ओपन थोड़ा क्लोज ऐसे पे चलता है। तो ये हो गया हमारा एनालॉग आउटपुट में। और कुछ मीटर्स भी है जिसमें करंट और स्पीड को एनालॉग फीडबैक देके उसमें लगाते हैं, तो एनालॉग फीडबैक से ये स्पीड और करंट वैरी होता है तो मीटर शो करता है कितना स्पीड पे मोटर चल रहा है या फिर कितना करंट ले रहा है। तो उसको भी हम एनालॉग आउटपुट में ही लेते हैं, उसमें कनेक्शन करते हैं जो हमेशा वैरी होता रहता है। तो इसी तरह से आइए देखते हैं डिजिटल इनपुट किसे बोलते हैं। डिजिटल इनपुट जो है हमारा यहाँ पे आ गया हमारा लिमिट स्विच, जो हमारा लिमिट स्विच दब के वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ होकर वो जो प्रेस होगा तो एनसी एनओ तो एनओ एनसी चेंज होता रहता है प्रेस होने से। तो ये हो गया लिमिट स्विच। पुश बटन तो आप सब जगह देखे होंगे जिसे पुश करके हम लोग चेंज कर सकते हैं उसका एनओ एनसी चेंज कर सकते हैं, उसमें से हम ले सकते हैं डिजिटल इनपुट। प्रेशर स्विच होता है जो प्रेशर से काम करता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा फिर तो प्रेशर स्विच फिर एनओ एनसी चेंज हो जाता है। रिले का फीडबैक, रिले अगर ऑन हो गया या फिर ऑफ हो गया तो उसका जो एनओ एनसी चेंज होता है उससे ले सकते हैं। लेबल स्विच भी है, लेबल पानी का लेबल है या फिर कोई लिक्विड का लेबल है, लिक्विड अगर ज़्यादा हो गया तो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, लिक्विड अगर कम हो जाएगा तो स्विच फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी का सब इनपुट हम यहाँ से ले सकते हैं, मतलब आइदर ऑन नहीं तो ऑफ, तो इसी दो कंडीशन में ये डिजिटल इनपुट चलता है। या फिर लिमिट स्विच अगर दब गया तो ऑन, अगर नहीं दबा तो दबना अगर छोड़ दिया तो हो गया ऑफ। तो ये सारे स्विचेस इसी तरह से काम करते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल इनपुट। तो आइए देखते हैं डिजिटल आउटपुट किसको बोलते हैं। देख लीजिए डिजिटल आउटपुट का जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी इंडिकेशन लैंप हो गया, अगर मोटर चालू हो गया तो उसके चलते हुए एक इंडिकेशन लैंप चलता है, तो इंडिकेशन लैंप हम डिजिटल आउटपुट में दे सकते हैं। कुछ बल्ब हो गया, बल्ब जलेगा तो उसको हम डिजिटल आउटपुट में दे सकते हैं। कुछ मोटर का कॉन्ट्रैक्टर अगर पिकअप हो गया तो हम डिजिटल आउटपुट से उसको पिकअप करा सकते हैं। अगर हमारा पीएलसी में प्रोग्राम हो गया, पीएलसी जब उसका प्रोग्राम हेल्दी हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर इसका जो फेज का जो सप्लाई है न्यूट्रल हमेशा लगा हुआ रहेगा, जो फेज का जो सप्लाई है वो डिजिटल आउटपुट के थ्रू से पीएलसी से डीओ के थ्रू से हमारा के कॉन्ट्रैक्टर में लगेगा। मतलब जब पीएलसी डिजिटल आउटपुट देगा तब जाके कॉन्ट्रैक्टर हमारा पिकअप हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एक पीएलसी है और यहाँ का एक कॉमन पॉइंट है जिसमें हम इसको चलने के लिए सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट जो भी वोल्टेज है। तो ये एक बल्ब है, इसको कैसे डीओ से जलाना है तो दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल। यहाँ से हमको पहले से न्यूट्रल कनेक्शन कर देना पड़ेगा जो हमारा न्यूट्रल लग कर रहेगा, और यहाँ पे होगा हमारा फेज का कनेक्शन यहाँ पे देंगे हम। जो फेज हमारा कहाँ से आएगा, हमारा पीएलसी से आएगा, मतलब ये 24 वोल्ट बल्ब वगैरह है तो यहाँ से हमारा इसका थ्रू जो डीओ है यहाँ पे पीएलसी में, तो ये जो प्रोग्राम उसके अंदर किया जाएगा होगा कि ये डीओ जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ से फेज वोल्टेज जाके इसमें लगेगा। जब डीओ एक्टिव हो जाएगा तो फेज जाके इसमें लगा, तो ये लाइट में पहले से न्यूट्रल था, वोल्टेज जब यहाँ से आ गया तो ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो इसको बोलते हैं हमारा डिजिटल आउटपुट। ये जब बंद हो जाएगा तब लाइट हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आइदर हमारा ऑन है नहीं तो ऑफ है। मतलब ये अगर जो डीओ हमारा हेल्दी है तो बल्ब जलेगा, डीओ अगर ऑन हेल्दी है या फिर बंद हो गया है तो हमारा ये बल्ब बुझ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी सोलेनोइड वाल्व है तो उसको सप्लाई दे सकते हैं उसको न्यूट्रल में कनेक्शन करके, कोई कॉयल है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है सबको इसी तरह से हम यहाँ से सप्लाई दे के डिजिटल आउटपुट को यूज कर सकते हैं।
तो उसी हिसाब से सोलेनोइड कॉइल पिकअप करा सकते हैं। शट ऑफ वाल्व जिसको ऑन ऑफ वाल्व बोलते हैं, आइदर पूरा ऑफ आइदर पूरा ऑन, वो वाल्व को भी हम डीओ से डिजिटल आउटपुट जो है उसका सप्लाई से हम उसको चालू कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारा डिजिटल आउटपुट के एग्जाम्पल्स।